अदाहम अजमाइन मिन अलआन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाहा वल यौमल आखिरा व ज़िक्रल्लाहा कसीरा सदक अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सलावात सीरत नबी के उन्वान से ये सिलसिला मजालिस जारी है। जनाब ख़त्म मर्तबत की सीरत तमाम आलमीन के लिए उस्वा है। इस दुनिया में आमद से पहले उनकी तस्बीहात, उनका जिक्र, उनका अंदाज़ इबादत मलाइका के लिए उस्वा था। क्या आयमा फरमाते हैं कि जब हम तस्बीह करते थे तो मलाइका हमारी तस्बीह से तस्बीह सीखते थे, जब हम तहलील करते थे तो मलाइका हमारी तहलील से तहलील सीखते थे, हमारी इबादतों से मलाइका हमसे सीखते थे और वो इबादत करते थे। उनकी वो सीरत हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हमारे पास सिर्फ वही सीरत है जो आपने इस दुनिया में वक्त गुजारा है, और ये भी हमारे लिए वाज़े नहीं है कि उनकी अज़मत और उनका मकाम क्या है। हम जो कुछ समझे हैं, हम ये समझे हैं कि हम उन्हें नहीं समझे। मुझे इंशाल्लाह इसमें मतलब पेश करने से एक बात कह के आगे बढ़ जाऊंगा। हम ये समझे हैं कि हम उन्हें नहीं समझे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये मैं अपने पास से पेश नहीं कर रहा हूँ। मासूमीन फरमाते हैं हमारी मारिफत कमा हक़ुहू हासिल नहीं हो सकती, और पैगंबर सलाम ने भी फरमाया है कि अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और अली के, मुझे भी कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और अली के, और अली को भी कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मेरे। ये पैगंबर इस्लाम का फरमाना। हम आइम्मा की कमा हक़ुहू मारिफत हासिल नहीं कर सकते। कौन है मारिफत अल्लाह की भी किसी को हासिल नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी और आइम्मा अलैहिस्सलाम भी ना शनाख्ता शुदा हैं। हम सिर्फ जितना भी समझें, हमारे मारिफत बढ़ती रहेगी, हम जितना भी समझेंगे हम यही समझेंगे कि इससे बालातर है उनकी विलायत, उनकी इमामत, उनकी अज़मत, उनके फ़ज़ाइल। हर चीज़ हमारे लिए आशना अब तक नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, ख़त्म मर्तबत की सीरत के मुतालिक कुछ मतालब इब्तदान पेश करना चाहता हूँ कि उनकी सीरत क्या है। कायनात का कोई ऐसा बाज़मत इंसान नहीं दिखा सकते कि जिनको एहसास हो उसकी अज़मत क्या है, और वो इस तवाज़ो और इनकसारी के साथ अपने मानने वालों के साथ पेश आए जिस तरह से ख़त्म मर्तबत पेश आए। जो तवाज़ो था, जो इनकसारी थी, जो फुरुतनी थी पैगंबर इस्लाम की, जो मॉडेस्टी थी, जो सिंप्लिसिटी थी, जिस तरह से अपने मानने वालों के साथ पेश आते थे, जिस तरह बाज़कात कनीज़ों के साथ पेश आते थे, जिस तरह से बाज़कात ग़ुलामों के साथ पेश आते थे, कायनात में कोई दूसरा आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसे एहसास हो कि उसकी अज़मत क्या है और उसके अंदर ये तवाज़ो और इनकसारी हो जो ख़त्म मर्तबत में थी। मैं नमूने के तौर पर सिर्फ दो उनकी ज़िंदगी से बातों को पेश, वाक़ात को पेश करना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, एक घर में एक बच्चा बीमार हो गया। वालिदैन ने उनके घर में कनीज थी, कहा कि जाओ जाके ख़त्म मर्तबत की अबा में से एक धागा ले आओ, हम वो धागा बच्चे से बांध देंगे, बच्चे को शफा मिल जाएगी। ख़त्म मर्तबत की अबा का धागा होगा, जाओ जाके वो धागा ले आओ। वो कनीज उठी, और पुराने ज़मानों में लिबास से ग़ुलाम और कनीज़ें आशना हो जाते थे लोग के भी ये ग़ुलाम हैं, कनीज़ है, यानी किसी की मिल्कियत हैं। तो अब अज़ीज़ाने गिरामी, वो कनीज़ उठी, ख़त्म मर्तबत मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। हिजरत के बाद की मैंने वादा किया था कि हालात को पेश करूँगा। मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, सहाबा का मजमा है, पैगंबर सलाम अहादीस बयान कर रहे हैं कुछ, या खुतबा कह रहे हैं या कोई अहादीस बयान कर रहे हैं, बैठे हुए। इतने में कनीज़ वारिद होती है और वो पैगंबर के करीब जाती है। पैगंबर सलाम खुतबे के दौरान खड़े हो जाते हैं और वो कनीज़ करीब आती है। जब सब मजमा उस कनीज़ को देखने लगता है तो वो कनीज़ हया करके पीछे हट जाती है। पैगंबर सलाम दोबारा बैठ के खुतबे को जारी रखते हैं। वो दूसरी मरतबा फिर आई, जब तीसरी मरतबा आई तो आपने अपनी अबा को उतारा और उसके सामने रख दिया, अपनी अबा को उतारा और उसके सामने रख दिया। उसने फौरन उसमें से एक धागा निकाला और वो चलने लगी। जैसे ही चलने लगी तो अब सारे के सारे जो सहाबा मौजूद थे, कहा या रसूल अल्लाह क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है? तो आपने फौरन फरमाया, कहा कि ये जिस घर से भेजी गई है उस घर के अंदर एक बच्चा बीमार था, उस कनीज ने कुछ नहीं कहा था, पैगंबर ने तफसील से बयान कर दिया। अब लोगों ने उस कनीज से फौरन सवाल किया, कहा कि क्या बात है, तुम दो मरतबा आए तुमने कुछ नहीं किया। कहा कि जब मैं करीब आए पैगंबर इस्लाम के और पैगंबर इस्लाम खड़े हो गए तो मुझे ताज्जुब हुआ, क्या बात है,
और सारा मजमा मुझे देख रहा है तो मुझे हाय आई, मैं पीछे हट गई। जब तीसरी मरतबा पैगंबर अस्सलाम ने अबा को मेरे सामने रखा तो फिर मैंने धागा निकाली। अजीजाने गिरामी, कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस पूरी कायनात के अंदर कोई और ऐसा शख्स दिखाइए, कोई ऐसी हस्ती दिखाइए जो अपने मानने वालों में से, मानने वालों की किसी एक कनीज, अदना से कनीज के सामने इस तरह से तवाज़ो और इंकसारी से पेश आए कि जैसे कोई पेश ना आए। ये सीरत नबी है। आप अपने अबा सामने रखते हैं, उसने धागा निकाला, वो फौरन घर गई। अजीजाने गिरामी, खत्मी मरतबत ने जब सवाल किया सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि मैं जानता था वो क्यों आई है। जब दो मरतबा उसने हया की तो मैंने तीसरी मरतबा खुद अबा को उसके सामने रख दिया ताकि उसे शर्म महसूस ना हो और ताखिर हो रही थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था उसे ताखिर हो जाए। अजीजाने गिरामी, कायनात में और कोई ऐसा बाअज़मत नहीं होगा जो हुकूमत कायम कर चुका हो और अपनी हुकूमत मौजूद होते हुए, नबूवत मौजूद होते हुए, रसूल अल्लाह होते हुए, ये जानते हुए कि अल्लाह ने जो कुछ कायनात बनाई है ये मेरी और मेरी आल की खातिर बनाई है, ये सब कुछ जानते हुए एक कनीज के सामने जो इस तरह से पेश आए वो मोहम्मद मुस्तफा। अज़ान के नामी, ये सीरतुन नबी है। आपने गौर फरमाया, कौन कहता है कि इस्लाम तलवार के साए में फैला है? इस्लाम पैगंबर इस्लाम के अखलाक से फैला है, अहले बैत के अखलाक से फैला। जाने गिरामी, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की कुर्बानियाँ जिनसे आज इस्लाम जहाँ पे है वहाँ पे है। मैंने कहा था दो वाक़ पेश करूँगा सीरत नबी के उनवान से। जाने गिरामी, खत्मी मरतबा एक जगह से गुजर रहे हैं, ग़ुलाम ज़मीन पर बैठे खाना खा रहे हैं। उन ग़ुलामों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आप पे ईमान रखते हैं, आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, अगर हमारे पास घर होते तो हम अपने आपको हम अपने घर में दावत देते, लेकिन हम लोग गरीब हैं, फ़कीर हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, सड़क पे रहते हैं, जहां हमारे मालिक हमें बिठा देते हैं हम वहीं पे खाना खाते हैं, तो इसलिए आपकी दावत नहीं कर सकते। पैगंबर अस्सलाम ने कहा, कौन सी चीज़ तुम्हें रोक रही है मुझ मोहम्मद की दावत करने से? ग्रामी, ये पैगंबर अस्सलाम का किरदार है, अखलाक है। कहा, कौन सी चीज़ तुम्हें रोक रही है मुझे दावत करने से? कहा, या रसूल खुदा, हमारी गुरबत। कहा, इस गुरबत को एक किनारे पे रख दो और उसके बाद दावत करो। कहा, या रसूल खुदा, कहाँ दावत करें? कहा, यहीं सड़क पे, इसी खाक के ऊपर बैठ के दावत करो, मैं यहीं पे तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ज़मीन पर खाना बिछा रखा था, दस्तरखान बिछा रखा था। कहा, या रसूल अल्लाह, तशरीफ लाइए, हम दावत करते हैं। आप फौरन वहीं पर उनके साथ ज़मीन पर बैठ गए हैं। जैसे खाक पे बैठे खातून गुजर रही थी, कहा, या रसूल अल्लाह, ताकुलु कल अबीद, आप तो बंदों की तरह से खाना खा रहे हैं। पैगंबर ने फरमाया, मुझसे बड़ा अल्लाह का बंदा कौन होगा? अज़ीज़ाने गिरामी, ये अखलाक, ये किरदार था पैगंबर इस्लाम का जिसने इस्लाम को हर दिल के अंदर जगह दी। ये किरदार रसूल खुदा था, जब मक्के में लोग देखते थे वो गर्विदा हो जाते थे, जो मदीने में देखने वाला था पैगंबर के किरदार को देख के लोग उनसे करीब होते थे। अज़ीज़ाने गिरामी, आपने अफराद को तरबियत इतना बुलंद तरबियत बना दिया था कि वो तमाम अफराद उस तरबियत की वजह से, अब जनाब खत्मी मरतबा जो कुछ कहते थे वो ये नहीं कहते थे कि मेरा किरदार है, क्या यही मेरा दीन है, अगर बात वादे कर पाऊँ। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम कभी ये नहीं कहते थे कि ये मेरा पर्सनल, मेरा ज़ाती किरदार है। जब भी कोई पूछता था कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो आप फौरन फरमाते थे, कहा कि ये इस्लाम है, ये दीन है, हमारा दीन यही सिखाता है। तो सब कहते थे, अगर दीन ये सिखाता है तो हम आपके दीन के पैरोकार बनना चाहते हैं। अज़ीज़ाने किरामी, हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम का मैं पेश करना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम ने किस तरह का किरदार चाहा है। अज़ीज़ाने किरामी, अमीरुल मोमिनीन पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अगर मेरा, जब आप मदीने में आए, आपने फौरन आने के बाद मस्जिद की बुनियाद रखी, सीरत नबी क्या मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। जनाब हमजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप बैठ जाइए, मस्जिद बनाने में आपको जहमत नहीं करनी चाहिए, हम सब मौजूद हैं। कहा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं चचा जान? कहा, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं। तो कहा कि आप मेरे चचा हैं, आप तो मुझसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। अल्लाह अकबर। कहा, आप मुझसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, अगर बुजुर्गी की वजह से रोक रहे हैं तो आप मुझसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। कहा कि नहीं, या रसूल खुदा, आपके एहतराम की वजह से रोक रहा हूँ। कहा, चचा जान, मैंने दुनिया को यह सिखाया कि बाअमल बनो, अगर मैं खुद से अमल में हिस्सा नहीं लूंगा मैं दूसरों से क्या तवक्को रखूंगा। आप खुद वो बाकायदा जो गारे मिट्टी की ईंटें बना रहे थे खुद उठाते थे और लाके रखते थे। अज़ीज़ाने गिरामी, अब सब देख रहे थे कि कैसर और किसरा का किरदार क्या है, मोहम्मद हबीबुल्लाह का किरदार क्या है। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने दो अंबिया को अपना दोस्त कहा, सबको कहा मेरे बंदे, अब्दियत कम अल्लाह के सब बंदे, लेकिन दो के लिए, और हत्ता हम जब नमाज में तशहुद पढ़ते कहते मोहम्मदन अब्दुहू व रसूलो, अब्दियत सबसे बड़ी चीज़,
अब्दियत सबसे बड़ी चीज। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने दो अंबिया को कहा मेरे दोस्त हैं, एक जनाब इब्राहिम, दूसरे रसूल खुदा। एक को कहा खलीलुल्लाह, दूसरे को कहा हबीबुल्लाह। खलील भी दोस्त है, हबीब भी दोस्त है, लेकिन एक फर्क है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो दोस्त से ज्यादा मोहब्बत करे, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिससे दोस्त ज्यादा मोहब्बत करे। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह है यानी अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और जनाब खतनी मर्तबत हबीबुल्लाह है यानी अल्लाह उनसे ज्यादा मोहब्बत करता। क्या मेरे हबीब आप सबसे ज्यादा मुझे अजीज, जनाब खतनी मर्तबत हबीबुल्लाह। अजीजान गिरामी क्या है, हबीब कैसा होता है? अजीजान गिरामी पैगंबर सलाम ने कहा कि सीरत मेरी यह है, सुन्नत यह मेरी है कि कभी भी गरीबों से फकीरों से दूरी इख्तियार ना करना। अल फकर फखरी वल फकरा अहली, फकीरी गुरबत मेरा फख्र है और फकीर और गरीब लोग मेरे अहल खाना। जो गरीबों से कतराएगा वो मुझसे दूर हो जाएगा। क्या गरीबों और फकीरों से नादारों से कभी दूर मत होना, उनकी सोहबत से दूर मत होना। अजीजान गिरामी पैगंबर फरमाते हैं क्या उलमा की सोहबत इख्तियार करना, हुकमा की सोहबत इख्तियार करना और फुकरा की सोहबत इख्तियार करना। उलमा से इल्म हासिल करोगे, हुकमा से हिकमत सीखोगे और फुकरा से फुरूतनी तवाज़ो सीखोगे। का अल्लाह का नाम मुतकब्बिर, अल मुतकब्बिर अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल मुतकब्बिर। का अल्लाह के अलावा किसी को किबरियाई तकब्बुर जेब नहीं देता। हत्ता पैगंबर सलाम फरमाते का मुझ में तकब्बुर नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए किबरियाई है। पता नहीं जुमले वादे हो रहे हैं मेरे वादे नहीं हो रहे हैं। अजीजाने गिरामी पैगंबर फरमाते हैं का किबरियाई सिर्फ खुदा के लिए, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए, वो उससे कोई बाअज़मत नहीं, उससे कोई बड़ा नहीं है, बाकी सब के लिए तवाज़ो इंकसारी जरूरी है। अज़ीज़ाने गिरामी खतनी मर्तबत बेइंतहा इंकसारी के साथ पेश आते थे। वक़्फ़ जनाहका लिलमुमिनीन, कुरान की आयत है, अपने कांधों को झुकाए। अज़ीज़ाने गिरामी खतनी मर्तबत कहीं तकब्बुर से पेश नहीं आए कभी किसी के सामने। हाँ अलबत्ता अगर कोई गुनाहगार आता था और बहुत ज्यादा तकब्बुर से पेश आता था तो आपने फरमाया कि अल तकब्बुर मा अल मुतकब्बिर इबादा, मुतकब्बिर के साथ तकब्बुर करना भी इबादत है। नहीं वादा कर सका, यानी जो घमंड से पेश आए, जो खुद तकब्बुर से पेश आए, तो वहां झुकना मत, क्योंकि वो तुम्हें झुका के अपनी अजमत का एहसास दिला रहा है। उसके सामने इसी तरह पेश आना जैसा वो पेश आ रहा है। पता नहीं बात वादे है या नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी जब एक मरतबा आए ना ईसाइयों के जो पादरी थे, जो पोप आया और जो उनके आठ बिशप, जो मुझे नहीं मालूम उर्दू में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अब जो बाबा या जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो आया, उसने ताज रखा हुआ था सोने का, एक बाकायदा गुलबंद पहन रखा था, क्रॉस लगा रखा था, वो जो क्रॉस पहनते हैं, वो जो सलीब लटका लेते हैं, सोने का सलीब लटका रखा था, जर्क बर्क लिबास था, खतनी मर्तबा से मिलने आया। जैसे ही वो सब के सब आ गए तो पैगंबर इस्लाम ने रुख फेर लिया। तवज्जो नहीं है अज़ीज़ाने किरामी, वो सामने आए पैगंबर इस्लाम ने दूसरी तरफ रुख फेर लिया। जब तीसरी मरतबा रुख फेरा वो उठ के बाहर चले गए। कहा तुमने बताया था तुम्हारे नबी बहुत ही मुतवाज़े हैं, मुनकसर मिजाज हैं, इनकिसारी से पेश आते हैं। कहा हमारे तो चेहरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। अब सारे सहाबा परेशान थे, पैगंबर कभी किसी के साथ ऐसे पेश नहीं आते, क्या बात है? तो किसी सहाबी ने कहा हम नहीं समझ सकते, मोहम्मद को सिर्फ अली समझते हैं। कहा अली से सवाल करो। का अली मुर्तदा से पूछो, क्योंकि वही जानते हैं कि पैगंबर ऐसे पेश क्यों आ रहे हैं। का या अली पैगंबर के सामने इतने बड़े बड़े आर बिशप आए हैं, बाबा आ गया है, पोप आ गया है, सब के सब आए हैं और पैगंबर रुख फेर लेते हैं। कहा कि इसी लिबास में तो नहीं गए थे जैसे मेरे सामने आए हैं? कहां ऐसे गए थे? कहा इन सबसे कहो कि अपना सोना उतार दें, ताज उतारें। पैगंबर बादशाहों से मिलना पसंद नहीं करते, बंदों से मिलना पसंद करते हैं। इनसे को अपना सोना उतारे फिर पैगंबर के सामने जाएं। एक मरतबा उन्होंने अपने वो सलीब उतारे, सोना चांदी सब कुछ जो जवाहरात पहन रखे थे उतारे। जैसे ही गए पैगंबर सलाम ने कहा अब मैं बैठने की इजाजत देता हूं। पैगंबर को समझे हैं तो अली मुर्तजा समझे। इस तरह से जाना। अब आए और आने के बाद बैठे, पैगंबर सलाम ने कहा कि अब बैठ जाओ, अब क्या बात है, अब बताओ। कहा कि हम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। जिस जाने ग्रामी में इंशाल्लाह कल जनाब खतनी मरतबत की मजलिस पेश करूंगा, शहादत की, जो क्योंकि मजालिस हैं 28 सफर दोनों इमाम हसन मुश्तबा की दिन में, परसों सुबह दिन में पेश करूंगा, और इंशाल्लाह उसके बाद वाली शब में इंशाल्लाह इमाम रज़ा अलैहि सलाम की, या परसों शब में इमाम रज़ा अलैहि सलाम की, क्योंकि बिना बरवायत 29 सफर जो है वो इमाम रज़ा अलैहि सलाम की, और वहाँ पर तफसील से मनाज़रा पेश करूँगा इमाम रज़ा अलैहि सलाम का, जो ईसाइयों और यहूदियों के साथ हुआ, और इंशाल्लाह वहाँ पर ये मतालिब हल करूँगा। लेकिन अज़ीज़ान किरामी सीरत नबी यह है, सीरत नबी यह है कि कभी भी तकब्बुर से पेश मत आओ, लेकिन अगर कोई तकब्बुर करे तो फिर
झुकना मत, क्योंकि वहां पे झुकना मुतकब्बिरों के सामने झुकना, जालिमों के सामने झुकना झुकना कमजोरी की अलामत है, तवाज़ो की अलामत नहीं है। अगर बात वाज़े हो रही हो, जालिमों के सामने झुकना नहीं है अज़ीज़ाने गिरामी। इसीलिए जब जनाब ज़ैनब कुबरा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उन दरबारों में जा रहे थे तो ना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने झुकते थे ना यजीद के सामने, क्यों? क्योंकि जानते थे कलिमतुल हक इंदल जार, अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंदल जार, के पैगंबर सलाम फरमा गए थे कि जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। वहां पे जनाब ज़ैनब कुबरा बार बार उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जब कहता था ना बीबी से मुखातब होकर कहता था, कहा कि अल्लाह ने आपके भाई को मार दिया, जब बीबी से मुखातब होकर उसने कहा अल्लाह ने तुम्हारे भाई को मार दिया, बीबी ने कहा खुदा लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। जैसे बीबी ने जुमला कहा उसने कहा क्या बात है आप बार बार लानत क्यों कर रही है भाई के कातिलों पे? बीबी ने कहा तुझे क्या तकलीफ है, मैं अपने भाई के कातिलों पे लानत कर रही हूं। तो अज़ीज़ाने गिरामी वो समझ रहा था कि बात कहां पहुंच रही है। बीबी ने कहा यहां पे मेरा खामोश रहना यह बुजदिली की अलामत है, कमजोरी की अलामत है, मैं अली की बेटी हूं। अज़ीज़ाने गिरामी जनाब ज़ैनब कुबरा इसलिए नवासी रसूल है, इसलिए बुलंदी का इजहार फरमा रही है, यहां पे तवाज़ो नहीं दिखाया जाएगा, यहां इनकिसारी नहीं होगी, क्योंकि तवाज़ो का मफहूम गलत लिया जाएगा। हम कमजोर नहीं है, हम अहले बैत कमजोर नहीं है, बेबस नहीं है, अगर जुमला पहुंचा पाऊं, बेबस नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी ये जो इमाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज है ना कि बेकस हैं लेकिन बेबस नहीं है, बेकस यानी जिसका कोई ना हो, अहले बैत बेकस यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेकस रह गए थे, यानी उनका कोई नहीं था, सब शहीद हो गए थे जो उनके थे, तो बेकस थे लेकिन बेबस नहीं थे। इसलिए कभी भी ना कहें कि बेबस, बेबस उसे कहते हैं जिसका बस ना चले। एक आदमी बाहर निकला, 20 अफराद ने उसे रोक लिया, लूट लिया, उसका बस नहीं चल सकता था क्योंकि मुकाबले में 20 अफराद थे, इसका बस नहीं चल रहा था, यह बेबस था क्योंकि 20 के मुकाबले में था। अज़ीज़ाने गिरामी इमाम वक्त हुज्जत खुदा किसी भी हालत में बेबस नहीं होते, अगर बेबस हो तो फिर हुज्जत खुदा कैसे? अगर ये मैं बात वाज़े कर पाया हूं तो अज़ीज़ाने गिरामी किसी भी हालत में इमाम बेबस नहीं होते। तो अब खत्मी मर्तबत ने मुसलसल अपनी सीरत से समझाया कि कभी भी किसी मुतकब्बिर के सामने मत झुकना। अज़ीज़ाने गिरामी खत्मी मर्तबत का किरदार इतना बुलंद था। अब तरबियत किया, क्या किया आपने, कहा कि जितने भी जंगी कैदी आए हैं बदर में, ओहद के बाद, बदर के बाद जब जंगी कैदी आए, कहा जो वो भाग नहीं सका है उसको गिरफ्तार कर लो। कहा कि अब अगर तुम में से कोई पढ़ना लिखना जानता है तो फिर मेरे जो मुसलमान पैरोकार हैं और पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको पढ़ना लिखना सिखा दो। पैगंबर इस्लाम ने कहा तिजारत की तीन शर्तें हैं, हिसाब किताब रखो, फिक्र के अहकाम सीखो और पढ़ना लिखना सीखो। तो किसी ने पलट के ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप पूरी जिंदगी तिजारत करते रहे और माजा अल्लाह आप खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते तो हमें क्यों ताकीद कर रहे हैं, बात वादे है या नहीं है? अज़ीज़ाने गिरामी अगर माज़ल्ला पैगंबर पढ़ना लिखना ना जानते होते तो वो जिनको ताकीद कर रहे थे वो पलट के कहते जब आपने खुद नहीं सीखा तो हमें ताकीद क्यों है? तो पैगंबर इस्लाम को अनपढ़ कहना ये अपने जाहिल होने की अलामत है। अज़ीज़ाने गिरामी पैगंबर ने ताकीद की, कहा जितने मुसलमान है पढ़ना लिखना जरूर सीखें। अब सबको ताकीद कर रहे हैं, वहां पे सारे के सारे वो जो अरब थे जो पढ़ना लिखना जानते थे सिखा रहे थे। पैगंबर इस्लाम से कहा या रसूल खुदा पढ़ना लिखना बहुत कम अफराद जानते हैं, कहा बाकी जितने भी अफराद हैं सबको इस्लाम की दावत दो। अब इस्लाम की दावत दी जाने लगी तो अब एक एक करके सहाबा को कहा कि जाइए दावत दीजिए। एक सहाबी आए, आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा हम कबूल नहीं करते। तो उन्होंने फौरन तलवार खींची, कहा कि मैं सबके सर कलम कर दूंगा। पैगंबर इस्लाम ने कहा वापस बुला लीजिए इन्हें। का क्या बात है, का या रसूल खुदा मुसलमान नहीं हो रहे इसलिए मैं सर कलम करना चाह रहा था। कोई ये ना कहे कि इस्लाम तलवार के साय में पड़ा पड़ा, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। पैगंबर इस्लाम ने कहा रोक दो, कहा कि नहीं इजाजत नहीं है, किसी और को भेजा, दूसरे को भेजा, करते रहे। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अब जरा मेरे भाई अली को बुलाओ। कह या अली जाइए जाके इनको इस्लाम की दावत दीजिए। पैगंबर इस्लाम सिखा चुके हैं, अब ये बता रहे हैं कि इनमें से देख लो किसका क्या मकाम है। जो मेरे भाई अली का मकाम है वो किसी का मकाम नहीं। अब एक मरतबा जनाब अमीरुल मोमिनीन आए, आए और आने के बाद जमीन पे दो जानू होके बैठ गए और अपनी तलवार को उतार दी और जमीन पे बैठने के बाद कहा क्या देखो मैं तुम्हें बताता हूं इस्लाम क्या है। जब तफसील से बताया अब सब सर उठा के देखने लगे, कहा या अली
ये आप जो मैदान जंग के अंदर सर उठा के ऐसे जंग कर रहे थे कि महसूस होता था कि कोई आसमान से जलाले इलाही नाजिल हुआ, यानी मैदान के अंदर आप तो इतने बड़े शेर थे कि जमीन पे तवाज़ो के साथ दोनों आपने घुटने जमीन पे टेक के हाथ बांध के क्यों बैठे हुए हैं आप? क्या कि क्योंकि तुम्हारे हाथों में रस्सियां थी, तुम जमीन पे बैठे थे, इसलिए मैं यहां पे तुम्हारे सामने अपनी शुजात नहीं दिखा रहा था, इस्लाम का फुरूत नहीं दिखा रहा था। क्या याली अगर यही इस्लाम है जो आपने पेश किया तो हम सारे मुसलमान हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, मोहम्मद व आले मोहम्मद के किरदार से इस्लाम चला है, उनके अखलाक से इस्लाम फैला है। जब जनाब अमीर ने दावत दी सब मुसलमान हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी, जब पैगंबर इस्लाम ने मदीने के अंदर मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद बना ली, तो फिर फौरन मुआखात का ऐलान किया। मुआखात यानी अख़ुव्वत का ऐलान किया, आपस में सबको भाई भाई बनाया, जो जैसा था उसका वैसा भाई बनाया। इससे ज़्यादा खुल के मुझे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अल अक्ल यकफील इशारा, अकलमंद को इशारा काफी होता है। जाने गिरामी, जैसा जिसका किरदार था उसका वैसा भाई बना दिया, यहां तक कि सब सहाबा में से सबको एक एक दूसरे का भाई बना दिया। और सब ने एक मरतबा किसी ने तंजिया जुमला कहा कि या अली, रसूल खुदा ने आपको तो छोड़ दिया, आपको किसी का भाई नहीं बनाया। अमीर उल मोमिनीन ने पलट के रसूल खुदा से कहा, या रसूल अल्लाह, आपने सुना लोग क्या कह रहे हैं, आपने किसी को मेरा भाई नहीं बनाया। कहा या अली, मैंने अपना भी किसी को भाई नहीं बनाया। या अली, ना मेरे जैसा कोई है ना आप जैसा कोई है। या अली, अंत अखीफ दुनिया वल आखरा, का दुनिया और आखिरत में ए अली आप मेरे भाई हैं। अजीजाने के रामी, जनाब ये जनाब खतनी मर्तबत का किरदार है जिससे इस्लाम फैला है। मैं एक जंग से मुतालिक कुछ जुमले पेश करना चाहता हूँ और वहाँ पे अमीर उल मोमिनीन का किरदार पेश करना चाहता हूँ कि पैगंबर ने कैसा अखलाक दुनिया के लिए पहुँचाना चाहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, जंग उहद एक ऐसी जंग है कि जिसके अंदर बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई, क्योंकि लोगों ने, साहबा ने या मुसलमानों ने पैगंबर इस्लाम के कहे हुए को बात को नहीं माना। पैगंबर ने कुछ अफराद को तीरंदाजी पे मुशख्स किया था, मुख्तलिफ एक पूरे मैदान का नक्शा जो जनाब खत्मी मर्तबत ने, जनाब अमीर मोमिनीन ने बनाया था, उसको लोगों ने उसकी पैरवी नहीं की। जंग बदर के अंदर मुसलमानों को फतह हुई, सिर्फ 313 रसूल खुदा के पैरोकार थे, 1000 से ज़्यादा का लश्कर था। जब मुशरकीन ने हमला किया और वहाँ पर जंग हुई, उसमें जनाब उबैदा शहीद हो गए थे जो जनाब खत्मी मर्तबत के एक रिश्ते में चचा थे। अब मैदान उहद के अंदर जनाब हमजा मौजूद थे, जनाब अमीर उल्मोमिनीन मौजूद थे, जनाब खुद रसूल खुदा, ये बेहतरीन जो मिसालें मौजूद थी किरदार की, अखलाक की, जंग की, हर चीज़ की। पैगंबर इस्लाम ने हर चीज़ के लिए उसूल दिए हैं, जंगों के भी उसूल दिए हैं। अब मैं जुमलों को पेश करना चाहता हूँ। जब मैदान बदर में गए पैगंबर इस्लाम तो कहा कि देखो, खेती को आग मत लगाना, दरख्तों को मत काटना, किसी का पानी बंद मत करना, जो भागे उसे भागने देना, जो हमला करे उसका मुकाबला करना। जंगों के भी उसूल खत्मी मर्तबत ने बताए, कहा कि देखो, जंगों के उसूल ये हैं, किरदार इतना बुलंद होना चाहिए कि जंगों में जो भागे उसे भागने दो। अज़ीज़ाने गिरामी, जब जनाब मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया ना, अमीर उल मोमिनीन के बेटे जनाब अब्बास से बड़े हैं, इमाम हुसैन से छोटे हैं, सवाल किया कि बाबा, मैदान जंग में मैं कहां पाऊंगा आपको, ज़ाहिरन जंग सिफीन है, नहजुल अलागा में जुमले मौजूद हैं। सवाल किया मौला से, कम बाबा आपको मैदान जंग में कहां पाऊंगा, कहा बेटा, जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे, ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूं, जहां खड़ा होता हूं जमीन पे गड़ जाता हूं, मेरे पांव जमीन में होते हैं, निगाहें आखिरी फर्द तक होती हैं, दांत भींच लेता हूं, हाथ में तलवार होती है, जिसकी मौत आती है खुद ब खुद मेरे सामने आ जाता। का बेटा मोहम्मद हनफिया, जहां मैदान में छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। का बेटा, मैं जब तलवार चलाता हूं ना, आखिरी फर्द पे निगाह रखता हूं। ये मौलाना ने तीन वसीयतें की है मैदान जंग के अंदर। का आखिरी फर्द पे जब निगाह होती है तो सब पे निगाह होती है, जब पहले पे निगाह होती है तो आखिर तक किसी को नहीं देख रहे होते, सिर्फ पहले ही पे निगाह होती है। का बेटा मोहम्मद हनफिया, बेटा मेरी वसीयत याद रखना, तलवार बहुत ज्यादा लंबी ना हो, तलवार इतनी हो कि जो सामने आए सिर्फ वही मारा जाए।
देखे जंगों के उसूल पेश कर रहे हैं मौला, का तलवार वैसी हो, का बेटा जब कोई सामने आता है ना तो मैं दो टुकड़े कर देता हूं, ये सर उड़ा देता हूं, ये दो टुकड़े कर देता हूं। अजीजाने की नामी, अब मैदान जंग के अंदर जनाबे मोहम्मद हनफिया फरमाते हैं का मैंने अपने बाबा को देखा जमीन पे ऐसे खड़े थे जैसे दोनों पांव जमीन में गड़ चुके हैं, निगाहें जब बुलंद करते थे क्या सुर्ख हो जाती थी, जिसको देखते थे उसका पित्ता पानी हो जाता था। कब मैदान सिफीन के अंदर हर आदमी बस एक सवाल कर रहा था शाम से आने वाला, हैदर कर्रार कौन है, हैदर कर्रार किसका नाम है, सबने एक नाम सुन रखा था, किसी ने इशारा किया क्या वो जो सामने खड़े हैं सफेद रीश वाले वही हैदर कर्रार हैं, किसी ने मौला से कहा, मौला के मानने वाले ने कहा याली खिजा भी कर लेते कम अज कम कोई सफेद दाढ़ी ना देखता, क्या कि मालिक शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर होता है। क्या मालिक जब एक मरतबा जंग शुरू हो लेने दो मैं उस वक्त नक्शा खींचूंगा। तो अजीज आने की रामी, मेरे मौला ने वहां पे भी इस अंदाज से जंग की है, सिफीन का मैं इंशाल्लाह ताला मेरा अपना खास मौजू कभी वक्त मिला तो पेश करूंगा। अजीज आने की रामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पूरे मैदान के नक्शे को सजा चुके थे, मैदान ओहद था, जनाब खत्म मरतबत ने कहा क्या या अली सब कुछ संभाल लीजिए। एक मरतबा जब माल गनीमत लुटा जाने लगा, कुछ लोग भागे और मारे गए, जो कुछ हुआ सबके जहनों के अंदर है, उस मकाम पे किसी मर्दूद ने आवाज दी क्या माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। अब सब भागने लगे, फरार करने लगे, जनाब अमीर फौरन तेजी से कोहे ओहद पे चढ़े और चढ़ने के बाद पैगंबर को दोनों हाथों से बुलंद किया, मतलब की तवज्जो होगी, दोनों हाथों से बुलंद किया, फिर अपने दाएं हाथ से इशारा किया क्या हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, तीन मरतबा ऐलान किया क्या ये है मोहम्मद, ये है मोहम्मद, ये मोहम्मद, मोहम्मद मारे नहीं गए, मोहम्मद जिंदा। अजीजाने गिरामी, यही नक्शा पैगंबर सलाम ने खदीर खुम में दिखाया क्या याली आपने ओहद के मैदान में बुलंद करके कहा था हाजा मोहम्मद, अब मैं कहूंगा कि मन कुंत मौला फहाजा अली मौला। अजीजाने किरामी, उस पूरे माहौल के अंदर जनाब अमीरुल मोमिनीन ने सबके लिए वादे कर दिया कि नहीं रसूल खुदा मौजूद हैं, जिंदा हैं। अजीजाने किरामी, एक जुमला कहूंगा, जब सारे सहाबा चले गए ना तो सवाल किया उन सहाबा से लोगों ने क्या कि क्या बात है आप लोग भागे क्यों थे, क्या जब हमने ये सुना ना कि किसी ने कहा और किसी ने यह कहा कि शैतान ने मरदूद ने कहा था कि माता मोहम्मद, मैं कहूंगा कि जिसने भी कहा था शैतान ही था। तो अजीजाने किरामी, किसी ने कहा कि माता मोहम्मद, तो सहाबा से पूछा आप भागे क्यों, क्या हम सिर्फ ये सोच रहे थे जब पैगंबर इस्लाम में रहे तो लड़ने का फायदा क्या, क्या याली आप क्यों नहीं भागे, क्या जब मैंने ये सुना कि पैगंबर नहीं रहे तो मैंने कहा जीने का फायदा क्या। अजीजाने किरामी, ये अमीरुल मोमिनीन हैं, वहां पे रुक गए, पैगंबर की चारों तरफ से हिफाजत करते रहे, यहां तक कि आपके जो हाथ में तलवार थी लोहे की तलवार टूट गई, क्यों, क्योंकि तलवार में ताकत नहीं थी, मौला का बाजू रुकता था और तलवार बार बार टूट जाती थी क्योंकि एक लोहे की तलवार इतना बड़ा लश्कर था। अमीरुल मोमिनीन ने एक मरतबा हाथ का इशारा किया, महसूस ये होता था कि हाथ का इशारा करना था, लश्कर अपने मकाम पे ऐसा रुका जैसे किसी उस्ताद के कहने पे बच्चे रुक जाया करते हैं, हाथ में तलवार टूटी हुई थी लेकिन फिर भी किसी में हमले की जरूरत नहीं थी, शायद इसी मकाम के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आए जनाबी खत्मी मर्तबत के पास का या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, पैगंबर ने एक खजूर के दरख्त की टहनी तोड़ी और अमीरुल मोमिनीन के हाथ में दिखा याली इससे जाके जंग कीजिए, ये नहीं कहा कि या रसूल खुदा ये टहनी है उनके हाथ में लोहे की तलवारें हैं। ये पैगंबर सलाम तरबियत करें कि देखो इतनी एतात किसी और में दिखाओ। आए आने के बाद जंग की, दोबारा आए, जब तीसरी मरतबा आए तो अल्लाह सुबहाना तआला ने जनाबे जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल जन्नत से जुल्फकार लेके अली की बारगाह में चला जा। जब जनाबे जिब्राइल चले तो कहते जा रहे थे, उसको भी अल्लामा इकबाल ने कहा शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। हम
अज़ीज़ान किरामी, ये मैदान उहद था जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की शुजात के चर्चे वहाँ पे बिठा रहे थे। पूरी दुनिया के ऊपर एक रोब बैठ रहा था, किसी हैदर कर रहा था कि जनाब सैयद ने यही जुमला कहा था ना कि याद है तुम्हें कि जब अरब के भेड़िए तुम पे हमला किया करते थे तो बस वो मेरे ही शौहर हैं अली इब्न अबी तालिब के, जो अल्लाह के शेर हैं, सारे अरब के भेड़ियों के सर तोड़ने वाला अल्लाह ने एक भेजा था। अज़ीज़ान किरामी, जनाब अमीरुल मोमिनीन वहाँ पे खड़े हैं। अब जो मैं बात पेश करना चाहता हूँ कि आप वहाँ खड़े हैं, अचानक एक आदमी छुप के पीछे से आ रहा, लेकिन हैदर कर्रार का जलाल इतना था, उस पर रोब इतना था कि उसके हाथ में तलवार थी, तलवार छूट गई। जब तलवार छूट गई तो उसकी तलवार गिरी, उससे आवाज़ आई, मौला ने मुड़ के देखा बड़े इत्मीनान के साथ। अज़ीज़ान किरामी, मैदान जंग हो और आहट महसूस हो, तलवार की आहट, पुश से बड़े बड़े सूरमा घबराए नजर आएंगे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन बड़े इत्मीनान के साथ उसे देखा। बस देखना था कि देखने ही के अंदर निगाहों से खा गए। फौरन घबरा के बोला, कहा अली, मैंने सुना है कि आप अपने मद्द मुकाबिल की कोई बात ज़रूर कबूल फरमाते हैं। कहा जो मांगना है मांग ले। कहा अली, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। आपने अपनी फौरन तलवार उसके हाथ में फेंक दी। बहुत से लोग तो घबरा के सुन रहे हैं कि जब तलवार दी तो क्या होगा। अज़ीज़ान किरामी, ये असदुल्लाहिल ग़ालिब है, तलवार की ज़रूरत नहीं, आपने फ़ौरन तलवार फेंकी। उसने कहा अली, ये तो आपको यकीन है ना कि मैं आपको मारने ही के लिए आ रहा था, कत्ल के लिए आ रहा था। मौलाना का तू मुझे समझा रहा। कही अली, फिर आपने अपनी तलवार मुझे क्यों दे दी है। कहा जब तूने राह खुदा में मांगा था, तलवार को राह खुदा में मांगा, मैंने फौरन अता कर दिया तुझे। कही अली, ये आपका किरदार है। कहा नहीं, यही मेरा दीन है। उस मैदान उहद के अंदर उसने फौरन कहा कि या अली, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, अगर ये किरदार है इस्लाम ने सिखाया। इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार रसूल खुदा, किरदार अमीरुल मोमिनीन से फैला। अगर मैं बात पहुंचा पाया हूं जाने के नाम, अजय जाने के रामी, ये पूरे तारीख गवाह है कि मुसलमान अगर जनाब खत्म मरतबत और अमीर उमिन के किरदार को समझ लेते तो कभी वो हालात ना होते जो आज मुसलमानों के हैं। अजय जाने के रामी, मैं सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करूंगा और बात को आगे बढ़ा दूंगा कि सीरत पैम्बर इस्लाम ये है कि मजलूम पर कभी जुल्म नहीं किया जाता। जनाब खत्म मरतबत ने अपनी ज़िंदगी में कभी मजलूमों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि आपने एक जुमला कहा है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलआबीद, ए मेरे हबीब कह दीजिए, आपका रब कभी भी अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता और आप रहमत इलाही हैं। जनाब खत्म मरतबत रहमत इलाही, ये सीरत नबी। मैदान उहद के अंदर भी देखिए क्या हुआ कि वहाँ पे अबू सुफियान और उसकी बीवी दोनों हिंदा तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें रसूल खुदा को किसी तरीके से शहीद करना है। तो एक ग़ुलाम को ख़रीदा जो नेज़ाबाज़ था, उसका नाम वहशी था, और वो बे इंतहा तेज़ हरकत के अंदर भी नेज़ा मारता था, तो जिस आँख में मारना चाहे, कलेजे में, जहाँ मारता था वहीं पे नेज़ा जाके लगता था, नेज़ाबाज़ था। उससे कहा कि रसूल खुदा को तुम कत्ल कर दो। उसने कहा नहीं, उनके अतराफ़ में लोग बहुत होते हैं। कहा कि फिर ठीक है, अली मुर्तदा को तुम नेज़ा मार देना। कहा कि अली मैदान जंग में चारों तरफ निगाहें रखते हैं। नहीं, बात वाज है, ये अपना तो नहीं था ना। उसने कहा नहीं, मैं उनको नहीं शहीद कर सकूंगा। कहा फिर हम और कुछ नहीं सुनेंगे, हमजा को जरूर मार देना। कहा ठीक है, एक शर्त के साथ, मार तो दूंगा लेकिन मैं पुश से नेजा मारूंगा, सामने से नहीं मार सकता, कि अगर जनाब हमजा ने देख लिया वो शेर का शिकार करने वाले हैं। कहा कि नहीं, तुम जनाब हमजा को किसी तरीके से शहीद कर दो। अब मैं शहादत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कत्ल इस्तेमाल करते थे। अज़ीज़ जाने किरामी, रिवायत के अल्फाज हैं कि एक मरतबा छुप के वार किया, जनाब हमजा की पुश से नेजा मारा, उनके सीने से निकल गया। जनाब खतनी मरतबत को जनाब हमजा से बेइंतहा मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत करते थे। और मैं जुमला कह दूं जो मुर्रखीन ने लिखा है कि जनाब हमजा कैसे इस्लाम लेके आए, ये जो तारीख में आया मुसलमानों ने लिखा है उसी को पेश कर रहा हूं। तो वजह सारे मजमे की मेरे साथ अज़ीज़ान किरामी, लिखा यह है कि जनाब खतनी मरतबत को पत्थर मारा अबू जहल ने या अबू लहब ने, और आपकी पेशानी से खून बहने लगा। आप घर आए, घर पे आके अपनी पेशानी से मरहम लगा रहे थे कि इतने में अचानक जनाब हमजा घर में वारिद होकर, भतीजे क्या हुआ, किसने आपको अजियत पहुंचाई है। कहा चाचा जान कोई बात नहीं है। कहा नहीं, मुझे बताइए। कहा कि मुझे अबू जहल ने या अबू लहब, दोनों में से किसी का नाम लिया। कहा इन दोनों में से इस आदमी ने मुझे पत्थर मारा।
फौरन फौरन जनाब हमजा घर से बाहर निकले, हाथ में कमान थी, आने के बाद एक मरतबा कमान मारी और उसकी पसलियां तोड़ दी, हाथ से कमान मारी और उसकी जब पसलियां तोड़ दी वापस आया, कहा भतीजे मैंने आपका बदला ले लिया है। जनाब खदनी मरतबत ने फरमाया, कहा चाचा जान मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो फिर मेरे दीन को अपना लीजिए। तो सारे मुअर्रखीन कहते हैं यहां पे जनाब हमजा ने इस्लाम कबूल किया। अज़ीज़ाने गिरामी मुझे बहस नहीं है कि कौन पहले से मुसलमान था कौन मुसलमान हुआ था, अगर बात पहुंच गई हो, लेकिन सिर्फ एक तजमीन यहां पे लगाना चाहता हूं और जिन जिन की इंशाअल्लाह ताला तवज्जो होगी बात तक जरूर पहुंचेंगे। तो सब मुसलमानों ने लिखा कि जनाब हमजा फौरन मुसलमान हो गए, कहा भतीजे अगर आपको मदद नहीं चाहिए जब तक कि इस्लाम ना कबूल कर लूं तो मैं इस्लाम कबूल करता हूं। ये नहीं कहा जनाब हमजा ने कि भतीजे आज मैंने पहली मरतबा आपकी मदद की है तो आपने फौरन मुझे दीन कबूल ना करने का ताना दे दिया, और वो जो बचपने से दूसरा चचा आपकी मदद कर रहा है आप अबू तालिब से क्यों नहीं कहते कि वो भी आपका दीन कबूल कर लें? तो इसका मतलब ये है ना जनाब हमजा वो जानते थे जो दूसरे नहीं जानते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भतीजे आज पहली मरतबा मैंने मदद की है, वो जो बचपने से पाल रहा है हर जगह पे आपके साथ साथ होता है हर काम में आपकी मदद करता है उससे क्यों नहीं कहते? वो भी तो मेरा ही भाई है, वो उसी की रगों में वही खून है जो हमारे बाबा का मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। कहा कि ठीक है अज़ीज़ाने गिरामी, अगर पैगंबर इस्लाम एक छोटी सी चीज किसी काफिर से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जनाब हमजा सैयदुश्शहदा हैं, सैयदुश्शहदा से पहले इमाम हुसैन से पहले करबला के वाक़े से पहले तक जनाब खत्म मरतबत ने सैयदुश्शहदा करार दिया, इसलिए कभी ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि कुफ्र। तो हमारा एतकाद ये है कि ये जो शजरे से आ रहे हैं वो बा ईमान हैं, वो इस्लाम लाते नहीं हैं बल्कि वो ईमान के साथ आते हैं। अब इसकी तफसीलात में नहीं जा सकूंगा, वक्त नहीं है कि मैं इसकी तफसील को पेश कर सकूँ। आयात भी मौजूद हैं, रवायात भी आइम्मा अलैहिस्सलाम से उसूल काफ़ी में पूरी बहस मौजूद है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब एक मरतबा वहशी ने नेज़ा मारा जनाब हमजा की पुश से तो सीने से निकल गया, बस सीने से उस नेज़े का निकलना था, जनाब हमजा कुछ देर तक खड़े रहे उसके बाद फिर ज़मीन पर गिर गए। एक मरतबा फौरन हिंदा आ गया, उसने वहशी से कहा कि इनका सीना चाक करो, मैं इनका कलेजा खाना चाहती हूँ। मासूम की हदीस है कि अल्लाह ने उस कलेजे को इतना सख्त कर दिया ताकि वो खा ना सके, कि जनाब हमजा का उज्व कहीं किसी मुशरिका और काफिरा के जिस्म का उज्व ना बने, वो खा नहीं सकी उसे। अज़ीज़ाने गिरामी, इसे कहते हैं मुसला करना। पैगंबर इस्लाम ने पहले दिन से हुक्म दिया कि कभी किसी का मुसला मत करना। अगर आज कोई इस पे अमल कर रहा है, सर कलम करता है हाथ पांव काटता है, तो इसका मतलब यह है कि वो पैगंबर इस्लाम की सीरत पे अमल नहीं करता। अगर बात वादे हो रही हो अज़ीज़ाने गिरामी, सुन्नत नबी है कि आपने पहले दिन से ऐलान किया कभी किसी का मुसला मत करना। मुसला करना वो क्या करते थे अरब, सीना चाक करते थे, दिल निकाल लेते थे, नाक काटते थे, होंठ काटते थे, आंखें निकालते थे, कान काटते थे, सारे हाथों की उंगलियां और पाँव की उंगलियां काट लेते थे और मस्तूरात को जाके कहते थे हार बना लो और कहना कि ये फलां फाते फलां जंगजू का ये उसके आज़ा हैं, मैंने उसको शिकस्त दी है। तो हिंदा ने क्या किया कि सारे आज़ा जनाब हमजा के काटे, पाँव की उंगलियाँ हाथों की उंगलियाँ काटी, उनके नाक काटी, उनके कान काटे, होंठ काटे, और फिर उनके बाद उनका जिगर निकाला, सीना निकाला, सीना चाक किया। पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि आखिरी ज़माने में दोबारा एक ऐसी मखलूक आएगी कि जो उसी तरह उसी किरदार पे अमल करेगी, उन्हीं की नस्ल से होंगे, और पैगंबर ने कहा कि वो सुफियानी होंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, अब वो पूरा पैगंबर इस्लाम की हदीस मौजूद है, वही किरदार होगा, वही नाम होंगे, वही शक्ल सूरत मकरू होंगी। पता नहीं बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, वही किरदार होंगे, आखिरी ज़माने में दोबारा आएंगे। ऐसे जाने गिरामी, पैगंबर की हदीस से कहा वो आखिरी ज़माने में किरदार दोबारा आएंगे, सर कलम करेंगे, हाथ काटेंगे, पांव काटेंगे, जिगर निकाल लिया करेंगे। कहा जब जिगर चबाने लगे तो समझ लो वही दौर आ रहा है जो उनके अजदाद ने हमारे साथ किया था, वो हमारे शियों के साथ करेंगे। ऐसे जाने गिरामी, जनाब खदनी मरतबत के दंदान मुबारक पर एक पत्थर लगा था जिससे आपके दंदान हिलने लगे और खून बहने लगा। छठे इमाम की हदीस है कि दंदान मुबारक जुदा नहीं हुए थे, सिर्फ खून बह रहा था। पैगंबर इस्लाम के सारे आज़ा मौजूद थे जब उनकी शहादत हुई, विसाल हुआ, बस दंदाने मुबारक पे पत्थर लगा, खून बहने लगा। सब बार बार पानी ला के देते थे, खून नहीं रुकता था। मदीने में खबर पहुंची, किसी बेटी को पता चला कि मेरे बाबा को पत्थर लगा है। अगर किसी बीबी के तीन भाई हों और तीनों इंतकाल कर गए हों, जिस बीबी को यह एहसास हो ना कि उसका कोई भाई नहीं है,
उसके भाई नहीं रहे, एक ही बेटी हो और वो भाइयों के बगैर हो, तो उस बीबी को बड़ा एहसास होता है कि मेरे बाबा तन्हा हैं, मेरे बाबा बड़े मजलूम हैं। क्या किया बीबी ने, फौरन बीबियों से कहा जरा मेरे साथ चलो, मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ। बीबी उठी आई, जब पहुंची तो देखा कि पैगंबर इस्लाम के दंदाने मुबारक से खून बह रहा है। बीबी ने फौरन अपने अबा के, अपनी जो बुरका था उसके अबाया के एक टुकड़े को काटा, फाड़ा और फौरन पैगंबर इस्लाम को देखा, बाबा जान ये अपने दंदाने मुबारक पर रख लीजिए। पैगंबर इस्लाम ने वो बीबी के बुरके का चादर का टुकड़ा था अपने दंदाने मुबारक पर रखा, फौरन खून रुक गया। जैसे पैगंबर इस्लाम का खून ने मुबारक रुका ना, तो फौरन आवाज़ दिया, अली मैंने अपने चचा को मैदान जंग में छोड़ा था, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे खबर ला के दे मेरे चचा की खैरियत है। मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, खातमुन नबीन है, जानते हैं इल्म नबुव्वत से, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने देखा था जनाब हमजा कहाँ जंग कर रहे थे। उठा, तेज़ी से आया, आने के बाद देखा तो देखा मुसला हो चुका जनाब हमजा का। पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि बुरी खबर देना मकरूह है, अच्छी खबर देना मुस्तहब है। घबराया का रसूल खुदा को कैसे बताऊँगा। और पैगंबर बे इंतहा राफत रखते थे, अल्लाह रऊफ़ है, रसूल खुदा भी राफत, और मोमिन की अलामत भी है वो नरम दिल होगा, दूसरों के दर्द को महसूस करेगा। मुनाफिक की अलामत है वो दूसरों का दर्द महसूस नहीं करता, इसलिए मसाइब में रोना ईमान की अलामत है। जुमले को पेश कर रहा हूँ जाने के रामी। जब एक मरतबा जनाब खत्मी मरतबत को वो बताने नहीं आया तो पैगंबर इस्लाम ने कहा या अली आप खुद जाइए, जाके देखिए हमारे चचा का क्या आलम है। जनाब अमीर उठे आए, आने के बाद जब देखा तो हज़रत अमीर इतना रोए वहीं पे गिर गए, रोते रहे बर्दाश्त नहीं कर सके। जंगजू हो, शुजा हो, दलेर होना चाहिए, लेकिन दूसरों के दर्द को महसूस करना चाहिए। जनाब अमीर असदुल्लाह गालिब हैं, मैदान जंग में हो तो उनसे बड़ा कोई जंगजू नहीं, लेकिन जब यतीम बच्चों के पास आते थे तो उनसे नरम दिल कोई नहीं होता था। अगर मैं जुमले को पेश करके आगे बढ़ूंगा, अब मैंने जुमला कह दिया तो पेश कर दूं, यहां तक रिवायत में मिलता है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम यतीम बच्चों के साथ जब जमीन पे बैठते थे ना तो अपनी अबा बिछा देते थे, खुद जमीन पे बैठ जाते थे, कहते थे बच्चों आ जाओ, महसूस ना करना तुम यतीम हो, मैं तुम्हारा बाप। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, जनाब अमीर के कोई असहाब साथ में खड़े थे, देखा कि एक बच्चा आया और उसने मौला के घुटने पर या रान पर पाँव रख दिया, तो उस सहाबी ने कहा क्या कि तुम्हें नहीं मालूम ये मौला है, मौलाए कायनात हैं, बेटा पाँव नहीं रखते। मौलाना का खबरदार मत रोकना, अगर इस बच्चे को बाप की मोहब्बत मिली होती, ये मेरे साथ इस तरह से पेश ना आता, आपने फौरन सीने से लगाया का नहीं हर यतीम का मैं बाप हूँ, हर यतीम बच्चे के बाप का नाम अली इब्ने अबी तालिब है, कहा मैं सब यतीमों का बाप हूँ। अजीज़ाने गिरामी ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का किरदार है, उनका अखलाक है। अब जनाब अमीर जनाब हमजा की शहादत को बर्दाश्त न कर सके, पूरा उनका कलेजा चाक था, सीना खुला हुआ था, उंगलियाँ कटी हुई थी। इतने में पैगंबर खुद उठे, कहा मैं खुद जाऊँगा देखूंगा मेरे चचा कहाँ हैं। जब उठे आए, आने के बाद देखा तो पैगंबर गश करके गिर गए, बर्दाश्त नहीं कर सके, लाशें पे गिर गए, बार बार चचा के चेहरे को देखते थे, सीने को देखते थे, कभी हाथों को देखते थे, बहुत रोते थे। कहा कि परवरदिगारा मेरे चचा का क्या आलम किया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आप जनाब हमजा की शहादत बर्दाश्त नहीं कर सके, ज़रा एक मरतबा करबला के मैदान में आइए, आपके नवासे हुसैन के लाशें पे घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशे को पामाल किया गया 11 मुहर्रम को। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कुछ होता लाशा पामाल ना किया जाता। अजान के जुमले को सुनिएगा, पेश करूं आपके सामने। जनाब खतनी मरतबत बहुत देर तक बैठ के रोते रहे, कहा मैं खुद से अपने चचा को दफनाऊंगा। इतने में जनाब सफिया जनाब रसूल खुदा की फुफी हैं, जनाब हमजा की बहन हैं, आवाज दी, कहा कि मैं अपने भाई के लाशे पे आना चाहती हूँ। पैगंबर इस्लाम ने कहा फातिमा मेरी फुफी को रोक दो, का जो हालत है ना चचा की मेरे, वो फुफी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, का कोई बहन भाई को इस हालत में नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। अजरकुम अल्लाह, बस भाई कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना हो, पेश करूं आपके सामने। आखिरी आखिरी अय्याम सफर के, अजीजाने गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने रोका, कहा कि नहीं बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भाई को इस हालत में। जनाब सफिया ने बहुत ज्यादा इसरार किया, कहा नहीं या रसूल खुदा आखिरी मरतबा मुझे भाई का दीदार करा दीजिए। पैगंबर सलाम ने अपनी अबा उतारी, जनाब हमजा के लाशे पे बिछा दी, चेहरे को छुपाया, सीने को छुपाया, जब छुपा दिया पूरा, जनाब हमजा बहुत कदावर थे, पैगंबर सलाम की जो अबा थी वो पूरी ना आ सकी। कहा या अली जरा कुछ जाइए, कुछ पत्ते ले आइए, कुछ झाड़ियाँ ले आइए,
کچھ شاخیں لے آئیے تاکہ پاؤں پہ رکھ دے، کیونکہ پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں، پاؤں کو چھپا دیجئے، میرے پھپھی کچھ نہ دیکھیں۔ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین گئے، کچھ پتے لے کے آئے جناب حمزہ کے قدم مبارک پہ رکھ دیے، کہا کہ تاکہ بہن نہ دیکھ سکیں۔ اب اشارہ کیا، کہا یا علی خود جائیے ہماری پھپھی کو لے آئیے۔ امیر المومنین گئے، اپنی پھپھی کو سہارا دیا، کہا پھپھی اما آئیے میرے ساتھ آئیں، پھپھی کا بازو پکڑا لے کے آئے، کہا بس پھپھی اما یہیں پہ قریب میں بیٹھ کے گریہ کر لیجئے، اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس بھی بہن تھی، کسی بہن کو بھائی کے لاشے پہ لایا جائے، اب کیسے رو رہی ہوں گی جناب صفیہ؟ بلند آواز سے رونے لگیں، بہت دیر تک روتی رہی، پھر اچانک آگے بڑھی اور چہرے سے ابا کو ہٹایا۔ بس ابا کا ہٹانا تھا، جناب صفیہ خاتون غش کر گئی، زمین پہ گرنا تھا جناب صفیہ کا، دونوں بھتیجوں نے، محمد مصطفیٰ نے، علی مرتضیٰ نے بازو پکڑے، دایاں بازو جناب رسول خدا نے پکڑا، بایاں بازو جناب امیر المومنین نے پکڑا، زمین سے بازو پکڑا، اٹھایا، کہا کہ چچی کو، پھپھی اما آپ کو، دونوں نے، دونوں بھتیجوں نے کہا پھپھی اما ہم آپ کو مدینے واپس لے چلیں۔ دونوں بھتیجوں نے سہارا دیا، پھپھی کو واپس لے کے آئے۔ بس بھی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ذرا ایک مرتبہ کسی اور بھائی کا لاشا، ایک اور بہن دیکھنے آ رہی ہے، ایک بھتیجا موجود ہے لیکن اس کے گلے میں توک ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ کیسے آئیں جناب زینب کبرا؟ آگے بڑھی، ایک مرتبہ رو کے کہنے لگی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت کی آخری قربانی قبول فرما۔ عجیب حالت بنا رکھی ہے جناب زینب کبرا نے، بار بار طواف کرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے، کہتی ہے بھیا اتنی جگہ نہ ہو سکی بدن پہ کہ میں بوسہ دے دیتی۔ اجرکم اللہ، بس بھی بی بی بار بار طواف کرتی جاتی ہے، ایک مرتبہ چلی، مجھے نہیں معلوم میں کس طرح سے جملے پیش کروں گا، بی بی چلی، ایک مرتبہ کربلا سے چلی، کوفہ پہنچی، جیسے ہی کوفے پہنچی، خدا کسی بہن کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ بھائی کے قاتل سے بہن کو تین سوال کرنے پڑے۔ ایک مرتبہ کا شمر ہمیں چادریں دے دے، میں کوفے میں مجمع عام میں نہیں جانا چاہتی۔ کہا نہیں ہم چادریں نہیں دیں گے۔ کہا پھر ہمیں کوفے نہ لے جا۔ کہا نہیں، اب آپ اس شہر کی شہزادی نہیں، ہماری قیدی ہے۔ کہا پھر ہمارے ہاتھوں کو کھلوا دے، ہم ہاتھوں سے پردہ بنا لے۔ کہا نہیں، ہم رسیاں نہیں کھولیں گے۔ کیسے استقبال ہوا، کوئی پھول نہ مارتا زہرا کی بیٹیوں کو، لیکن پتھروں سے استقبال ہوا۔ جب ایک مرتبہ بیویاں داخل ہوئی، چاروں طرف سے پتھر آنے لگے، جب پتھر آ رہے تھے اچانک آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جناب زینب نے آواز دی، بیٹا سید سجاد، یہ کس نے اس غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں میرے بھائی کو سلام کیا؟ کہا پھپھی اما کوفے کے دروازے میں دیکھیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے سر اٹھائے، جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا۔ جناب مسلم کا جو سر دیکھا، ساری بیویاں سر جھکا کے گزر گئی، لیکن ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ بتایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا، کہا مسلم جو آپ پہ گزری وہ میں دیکھ رہی ہوں، جو مجھ پہ بیتی وہ آپ کو پتا ہے، مسلم بس مجھے اتنا بتا دے میرے دو یتیم بیٹے کہاں ہیں۔ اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا، عزیز اہل گرامی جن جملوں کے لیے میں نے زحمت دی ہے، عزیز اہل گرامی، یہ بیویاں گزری کوفے میں گئیں، کوفے سے ایک مرتبہ شام پہنچی۔ میں شام کی ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، معالی سبتین میں موجود ہے، سوگنام آل محمد میں ہے، ریاض القدس سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہیں، جناب زینب کبرا نے کہا، بیٹا سجاد یہ کیا بات ہے، ہمیں باہر روک کیوں دیا گیا ہے، ہم بازار میں کیوں کھڑے ہیں، یہ دربار میں کیوں نہیں لے جاتے؟ کہ پھپھی اما دربار کو سجایا جا رہا ہے۔
एक मरतबा आवाज दिखा के कैदियों के काफिले को गुजारो। जब काफिला चलने लगा इमाम सज्जाद ने आवाज दी का बाबा कुरान की तिलावत शुरू कर दे ताकि लोग आपके सर को देखे मेरी फुप्पियों को ना देखे। अजरक मन अल्लाह बस भाई चली बीबियां सुनेंगे इस रिवायत को जो मैं पेश करना चाह रहा हूं। आखिरी आखिरी अय्याम हैं, कोई रोने में बुखल ना करे। आज रिवायत के अल्फाज हैं, जब बीवियां पहुंची ना तो यजीद की बीवी हिंद थी जो अहले बैत की मानने वाली थी। अब मैं तफसील में नहीं जा सकता कैसे ब्याही गई। हिंद जब बचपन में बीमार हुई यहूदी की बेटी थी तो जनाब सैयद शहदा ने पानी को हाथ लगा के दिया था, हिंद को शफा मिल गई थी। ये अहले बैत की मानने वाली थी, एतकाद रखती थी। अब एक मरतबा जैसी बीवियाँ दाखिल हुईं, ये सौगना माले मोहम्मद में सब जगह पे मौजूद है रिवायत का, जैसी बीबियां वारिद हुई ना जनाब ज़ैनब की निगाह हिंद पे पड़ी। जैसे हिंद को देखा ना बीबी सराहा ना गया। हिंद को ये बताया गया था कि तेरे शोहर को बागियों पे फतह हुई है। आज बागियों के असीर आने वाले हैं दरबार में, नहीं आएगी उन्हें असीरों को देखने के लिए। हिंद ने कहा बागियों का जरूर तमाशा देखूंगी। एक मरतबा आके तख्त पे खड़ी थी, जमीन पे नहीं खड़ी थी, तख्त पे खड़ी हुई थी। जनाब ज़ैनब कुबरा ने दूर से देखा, फौरन जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, कहा बहन पहचाना सामने कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा कि बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बिनाई कमजोर हो गई है, कब मुझे अब दूर की चीजें नजर नहीं आती। जनाब ज़ैनब ने कहा जरा गौर से देखो, वो हिंद है जिसे हमने पर्दा सिखाया था। अब जनाब उम्मे कुलसूम से रहा ना गया का बीवी जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो तो पर्दे में है लेकिन हम पर्दे में नहीं हैं। बीबियां चलने लगी, जब चलते हुए जा रही थी बीबियों ने निगाहें झुका रखी थी, सर झुका रखे थे। जैसी जनाब ज़ैनब हिंद के तख्त के सामने पहुंची ना, हिंद ने सवाल किया का मिनय्ये बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? बीबी ने फौरन कहा नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम मदीना शहर के रहने वाले हैं। हिंद फौरन तख्त से उतर के जमीन पे आए। अब जनाब ज़ैनब से रहा ना क्या, क्या क्या बात है, तख्त से क्यों उतरी है? का बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों की बहुत तआज़ीम करती हूं, मदीने वालों को बहुत मानती हूं। फौरन हिंद ने कहा बीबी सवाल करूं तो जवाब दीजिएगा, आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ने कहा किसका पूछना चाहती है? कहा बीबी मदीने में मेरा मौला हुसैन रहता। बीबी सराहना गया, कहा कि अच्छा और किसका पूछेगी? कहा बीबी मेरे मौला का कड़ियल जवान बेटा, हम शक्ले पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है, नाम अली अकबर है। बीबी ने कहा और किसका पूछेगी? कहा बीबी मेरे मौला का एक और बेटा नाम सज्जाद है, गैरत का पैकर है, आप भी तो जाहिद है। बीबी ने कहा और किसका पूछेगी? क्या बीबी मेरे मौला का एक भाई है नाम अब्बास है, वफा का मुजस्मा है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा कहें अपने मौला की बहनों का नहीं पूछेगी? अब हिंद से रहा ना गया, क्या खबरदार बीबी उनके नाम इस दरबार में ना लेना, ये शराबी का दरबार है, वो अली की बेटी है, उनकी मां का जनाजा रात में उठा था, उनके नाम ना लेना। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया कहें मुझे गौर से देख, मैं ज़ैनब हूं, ये मेरे साथ उम्मे कुलसूम है, वो रबाब है, वो सकीना। हिंद तड़पने लगी क्या बीबी मेरे मौला हुसैन का क्या हुआ? क्या हिंद अपने मौला की लंबी जिंदगी की दुआएं ना मांग, वो सामने सर को देख, वो तेरे मौला हुसैन का सर है, साथ वाला सर हुसैन के अली अकबर का, वो जो कैदी है वो सज्जाद है। अब हिंद से रहा ना गया, एक मर्तबा सवाल किया का बीबी इतना सब कुछ हो गया अब्बास कहा था? कहें अब्बास भी मारे गए, हिंद किस किस का पूछेगी, हम किस किस का बताएंगे? हिंद ने अपना बुरका जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमाए आम में आई, कह यजीद ये तूने क्या किया, ये नबी की नवासियां,
ये अली की बेटियां, ये जहरा जादियां। एक मरतबा यजीद उठा, अपनी अबा उतारी और हिंद के सर पे रखी। जैसे हिंद के सर पे अबा रखी, यजीद ने कहा, हिंद तू देखती नहीं ना महरमों का मजमा है, बगैर चादर के आ गई। हिंद ने अबा को जमीन पे फेंका, कहा यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया था तू उन्हें मजमा आम में ले आया। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। बस भी हाथों को बुलंद कीजिएगा, मैं एक वास्ता दूंगा, मुख्तसर से दुआ पेश करूंगा। परवरदिगारा, वास्ता उस लहजे का जब इमाम सज्जाद ने खुतबा दिया, यजीद ने कहा कि इनका सर कलम कर दो। जब जल्लाद से कहा ना सर कलम कर दो, तो जल्लाद आगे बढ़ा, जनाब ज़ैनब सामने खड़ी हो गई। जैसे सामने खड़ी हुई ना, कहा मेरी जिंदगी में सज्जाद को कुछ नहीं हो सकता, कहा मेरे भाई ने आखिरी मुलाकात में सज्जाद का हाथ मेरे हाथ में दिया था। कहा था ज़ैनब मैंने सज्जाद को आपको सौंपा, कहा मैं अपनी जिंदगी में सज्जाद को कुछ नहीं होने दूंगी। एक मरतबा हुक्म दिया, कहा कि इस बीबी का भी सर कलम कर दो। जैसी बीबी के लिए हुक्म दिया ना, तो फौरन जनाब फिज़ा सामने आ गए। कहा मैं अपनी जिंदगी में ज़ैनब को कुछ नहीं होने दूंगी। कहा ज़ैनब की माँ ने आखिरी लहजे में ज़ैनब का हाथ मेरे हाथ में दिया था। कहा था फिज़ा मैंने ज़ैनब को तुम्हें सौंपा, कहा मैं कुछ नहीं होने दूंगी। एक मरतबा कहा कि फिर इस बूढ़ी खातून का भी सर कलम कर दो। जब जल्लाद ने तलवार उठाई आगे बढ़े, जब ये सारे आगे बढ़े ना सर कलम करने के लिए, तो जनाब फिज़ा ने सर उठाया। एक मरतबा हबशी गुलामों को देखा, कहा कि ए हबशी गुलामों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया, मैं तुम्हारे कबीले से हूँ, तुम्हारे कबीले की खातून पे तलवार चले तुम खड़े देखते रहोगे? 500 तलवारें खींच के कहा यजीद ये हमारे कबीले से है, अगर इन पे तलवार चली हम बगावत कर देंगे। यजीद ने कहा सबको छोड़ दो। जब छोड़ दिया ना, अब जनाब ज़ैनब से रहा ना गया, फौरन मदीने का रुख किया। का नाना अम्मा की कनीज फिज़ा के तो इतने मानने वाले, नाना आपकी नवासी ज़ैनब, नाना बड़ी मजलूम है, बड़ी गरीब है। परवरदिगारा बीबी के उन जुमलों का वास्ता। परवरदिगारा हाजरीन मजलिस की किसी दुआ को रद्द न फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अपने से तो जलाल का, हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, इराक को शाम के तमाम रोज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा परवरदिगारा हमारी गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। बस एक रिवायत के एक सिर्फ वास्ता दूंगा, आपसे सवाल करूंगा, आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि किसी बीमार को बिस्तर से गिरा दिया गया हो? शाम गरीबा में इमाम सज्जाद को बीमारी के आलम में बिस्तर से गिरा दिया गया। परवरदिगारा शाम गरीबा के उस बीमार का वास्ता, जितने मोमिनीन मरीज हैं सबको शिफाए कामला अनायत फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद हैं उनको औलाद अनायत फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। परवरदिगारा मुतमन्नियान हज ज़ियारात को हज ज़ियारात नसीब फरमा, जितने अफराद ने इल्तिमास से दुआ की है सबकी दुआएँ मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा हम सब की आकिबत बखैर फरमा। परवरदिगारा असदारों की ज़ायरीन, परवरदिगारा का आखिरी वास्ता दूंगा, बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है। परवरदिगारा तमाम शहदाए इस्लाम, शहदाए मिल्लत जाफ़रिया, बिलखसूस हाल में शहीद होने वाले जो बच्चे हैं, परवरदिगारा उन सब की मग़फ़रत फरमा। आखिर में सूरह फातिहा से पहले, दरख्वास्त से पहले एक जुमला कहूँगा। परवरदिगारा आज हमने पूरी दुनिया में देखा है, जिसके यहाँ फौत की होती शहादत होती है, लोग आके पुरसा देते हैं, सीने से लगाते हैं, कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि ताजियाने मारे जाते हो। आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि जिसका किसी बाप को मार दिया गया उसके गले में तौक डाल दिया गया हो? परवरदिगारा उन असीरान करबला का वास्ता जो शहदा के वारिस से और उनके गलों में तौक डाले गए, हाथों में रस्सियां बांधी गई, जंजीरें बांधी गई। परवरदिगारा वास्ता उन असीरों का हमारी गुनहगार आंखों को जन्नतुल बकी तामीर होता देखना नसीब फरमा।
परवरदिगार जिस बीबी के सदक़े में आज पूरी दुनिया में चराग जल रहा है, हर जगह रोशनी है, ये सारी रोशनी जनाब सैयदा के सदक़े में है, लेकिन उस बीबी की कब्र पर चराग जलाने की इजाज़त नहीं। इमाम ज़माने को सदमा तो होता होगा ना जब भी जन्नतुल बकी जाते होंगे, तड़पते होंगे अपनी दादी की कब्र देखे। परवरदिगार हमारे गुनहगार आँखों को इमाम ज़माने का ज़हूर देखना नसीब फरमा, हमारे तमाम मकामात मुक़द्दसा की तामीर होते देखना नसीब फरमा, और हमारे जितने मकामात मुक़द्दसा के रोज़े हैं उन सब की हिफाज़त फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन। एक सूरह फातिहा और तीन मरतबा सूरह इख़लास पढ़ के हाज़िरीन के मरहूमीन ख़ुसूसन शुहदा मिल्लत जाफ़री और ये जो बच्चे शहीद हुए हैं सबके लिए अल-फातिहा।